को उभारने और द्वीपवासियों में तैराकी खेल के प्रति रुचि पैदा करने के मकसद से प्रशासन के खेल एवं युवा मामलों के निदेशालय की ओर से पोर्टब्लेयर के नेताजी स्टेडियम परिसर स्थित तरणताल में दो दिवसीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ शनिवार 17 मई को हुआ। इस मौके पर खेल सचिव राकेश पाली मुख्य अतिथि थे, उनके साथ लुकस रॉबर्ट भी उपस्थित हुए। यह प्रतियोगिता पुरुषों और महिलाओं के लिए आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता का संपन्न कल हुआ। इस अवसर पर द्वीपों के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह मुख्य अतिथि थे, उनके साथ प्रथम महिला सुनीता सिंह समारोह में उपस्थित हुई। समारोह में मुख्य सचिव आनंद प्रकाश, पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के गणेशन, पुलिस महानिदेशक सुधीर यादव, खेल सचिव राकेश बाली और प्रशासन के आला अधिकारी तथा खिलाड़ी मौजूद थे। उपराज्यपाल की मौजूदगी में विभिन्न आयु वर्गो के खिलाड़ियों के लिए तैराकी प्रतियोगिता का फाइनल हुआ। राज्यपाल ने तरणताल में मौजूद खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासन दीपतमो में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यटन निदेशालय में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सॉफ्टेक के सहयोग से द्वीपों में पर्यटन सेवा प्रदर्शकताओं के लिए SMS अलर्ट सेवा शुरू करने का प्रस्ताव किया है। विभाग पर्यटकों व पर्यटन सेवा प्रदर्शकताओं को मौसम तथा आपदा के बारे में SMS अलर्ट भेजेगा। होटल संचालक, यात्रा संचालक, नौका संचालक, गोताखोरी संचालक, जल क्रीड़ा संचालक जैसे द्वीपों के पर्यटन सेवा प्रदर्शकर्ता पर्यटन विभाग की www.andamans.gov.in वेबसाइट के माध्यम से ऐसे SMS अलर्ट प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। होम पेज में न्यू टैगलाइन के साथ SMS अलर्ट शीर्षक से वर्क होगा। इसे क्लिक करने पर SMS पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा। इसके बाद सेवा प्रदर्शकर्ताओं को पंजीकरण फॉर्म के ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपनी सेवा के वर्ग का चुनाव करना होगा तथा नाम, पता, मोबाइल नंबर इत्यादि भरना होगा। एक बार इसे ऑनलाइन भरने के बाद सेवा प्रदर्शकर्ताओं को उनके मोबाइल फोन पर तत्काल कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इस पहल से विभाग उनके मोबाइल फोन पर मौसम, आपदा व अन्य पर्यटन उद्योग से संबंधित अपडेट के साथ द्वीपों के पर्यटकों और पर्यटन सेवा प्रदर्शकर्ताओं तक पहुंचने में सक्षम होगा।